आज का जो मैंने लुक क्रिएट किया है वो आपको पिक्चर्स दिखाई देगी स्क्रीन पे, जो कि सेम वैसा तो नहीं है, मैंने ट्राई करने की कोशिश करी, बट अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट करें और लाइक करें, नीचे जो रेड बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वो बिल्कुल फ्री है, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें मेरी वीडियो को और लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं वाली वीडियो को कि लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर करें। मैंने ट्राई करने की एक्चुअली कोशिश की है कि सेम वैसा हो लुक, और इयर रिंग भी वैसे हों, तो मुझे इयर रिंग वैसे नहीं मिले हैं, बट इस टाइप के मिल चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं यूज़ करूँ कि ये डिफेंड क्रीम जो मुझे मिली थी सिमचिन में, जो सैंपल था उसमें मिली थी, मुझे दो पैक मिले थे, इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, जो कि आप पूरी वीडियो देख सकें, फ्री सैंपल देता है। तो मैं यूज़ करूँगी ये वाली क्रीम सिमचिन की SPF 15 क्रीम। मैं इसको एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, ये ऐसे वाइट कलर की है, और मैं इसको डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी। आप चाहे तो कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे अप्लाई करूँगी, आप मैं अपने हैंड से इसको। अब मैं इसके बाद यूज़ करूँगी कंसीलर आइज़ के लिए, ये मेबीलाइन का एज रिवाइन कंसीलर यूज करके। बहुत अच्छे हैं, एक ऐसे ब्रश लेके जो लाइट शेड है इसको यूज़ करूँगी अपनी आईज पे। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी अपने आई शेडो, यहाँ पर ब्राउन शेड लगाने क्रीज एरिया में, ये कलर के पहले इसमें से मैं चूज़ करूँगी, इसमें मैं चूज़ करूँगी ब्राउन कलर, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर, तो बिल्कुल लाइट आने लाइट है इसे क्रीज एरिया में ऐसे करूँगी बस मैं अभी लाइट है इसे। हमें सेम वो ब्रश सेम आई शेडो लेके इधर भी ऐसे करूँगी। करूँगी ये वाली पैलेट जो उन्होंने आई शेडो अपनी आईज पे लगाया हुआ है, वो तो मेरे पास नहीं है, बट मैं ये वाला शेड और एक ये वाला शेड मिक्स करके लगाऊंगी अपनी आईज पे, जिससे कि सेम सेम हो जाए। मैं सब फ्लैट ब्रश ये वाला शेड लूँगी, फिर लूँगी ये वाला शेड, ताकि दोनों मिक्स होके बिल्कुल वही शेड आई शेडो बन जाए। ऐसा फ्लैट ब्रश लूँगी और अपनी आई लिड पर लगाऊंगी इसको, अगर आप इसे ही ब्रश ले सकते हैं। ये वाला शेप लेके ये वाला भी शेप मिक्स कर लूँगी इसके अंदर, आउट हो चुका है तो आप इसे क्लीन ब्रश लेंगे और इसको एक्सेस आउट करें, जैसे एक्सेस आउट कर सकते हैं। अब आप इसको ऐसा ब्रश लेंगे, थोड़ी सी क्वान्टिटी ज़्यादा लेके अपनी आइस को बनाऊंगी लाइट के, हमें ऐसा क्लीन ऐसा परफ्यूम ब्रश लेंगे और इसको
फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी आई वी ए प्योर स्किन लिक्विड फाउंडेशन SPF 15 E12 का, और मैं यूज़ करूँगी LA कलर ट्रूली मैट फाउंडेशन। ये दोनों मिक्स करूँगी इसके अंदर, दोनों मिक्स करके लगाऊंगी मैं फाउंडेशन को। हमें से यूनिकॉर्न ब्रश लेके इसको अप्लाई करूंगी। ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा फाउंडेशन एक बार डाल कर लूँगी थोड़ी सी क्वांटिटी। मैंने एक एरिया में भी लगाऊंगी। ये अच्छे से हो चुका है। अब इसके बाद यूज़ करूँगी सेटिंग पाउडर या लूज पाउडर, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ करें। मैं सेटिंग पाउडर यूज़ करूँगी थोड़ा। अब मैं काउंटरिंग करूँगी अपने फेस पर, जो कि जैसे कि उन पिक्चर में ऊपर स्किन पर पिक्चर आएगी, उन्होंने काउंटरिंग कर रखी है और हाईलाइट कर रखा है, तो उस वजह से मैं हाईलाइट करूँगी। यूज़ करूँगी ये स्विस ब्यूटी के पैलेट, इसमें है ब्लश और ये काउंटरिंग का ब्राउन वाला, तो मैं ये ब्राउन वाला शेड यूज़ करूँगी। उसके जो शेड नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, इसको आपको पता चल जाए कैसा है। तो मैं यूज़ करूँगी ये वाला यूनिकॉर्न ब्रश, ये सब ऐसा ब्रश आता है लाइक दिस, हम थोड़ा सा लूँगी मैं और ऐसे में इसको यूज़ करूँगा थोड़ी सी क्वान्टिटी लेके काउंटिंग करूँगी अपने फेस पर लाइक दिस। थोड़ा सा ये वाला जो शेड है डार्क जो है ये वाला यूज़ करूँगी। तो अब थोड़ा सा अपने फोरहेड पे लगाऊंगी, लग चुका है ऐसे कितना शाइनी है। अब मैं यूज़ करूँगी ब्लश। अब ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी यही स्वीट ब्यूटी के पैलेट, जिसमें से ये वाला ब्लश मैं यूज़ करूँगी। लाइट यूज़ करूँगी ये रियल टेक्निक का ब्रश। थोड़ा सा ब्लश लूँगी अपनी चिक्स पर ऐसे टैप करूँगी, ये रियल प्लेट इसमें से मैं अलग ब्लश यूज़ करूँगी ये वाला, फिर टैप करूँगी इसको ऑनली टैप करके ऐसे बस। अब यूज़ करूँगी हाईलाइट के लिए, मैं यूज़ करूँगी नायका का हाईलाइटर, सबसे बेस्ट करंटली इज माई फेवरेट हाईलाइटर। अब मैं यूज करूंगी, मैं अब आईब्रो को फिल करूंगी। अब मैं यूज़ करूँगी ये काजल, उन्होंने काजल अप्लाई कर रखा है। ऊपर आपको पिक्चर्स दिखाई देगी, उन्होंने यहाँ पर जो लगा रखा है यही शेड जो मैंने ऊपर लगाया वही लगा रखा कर रखा है, तो मैं वाले शेड अब तक मैं नीचे लगाऊंगी यहाँ पर। अब मुझे बीच की पार्टीशन करनी है सेम है इस स्टाइल के लिए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये हेयर स्प्रे अपने बालों में, क्योंकि जो मेरा हेयर है उसमें बीच की पार्टीशन नहीं हो सकती है, तो मैं बीच की पार्टीशन के लिए मैं ये यूज़ करूँगी थोड़ा सा हेयर स्प्रे।
हम वहाँ पे से कॉम गर्म अपने हेयर में। अब मैं इयर रिंग पहनूंगी। So this is the final look. I hope you enjoy this video. So take care. Bye bye. Allah Hafiz.